नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रतीक और आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन को मैथमेटिक्स में जिस तरह डिफाइन किया जाता है कि इट्स ए वन टू वन रिलेशन, वन टू वन फंक्शन, और वन टू मैनी भी हो सकता है, बट मैनी टू वन हो सकता है, बट वन टू मैनी नहीं होता। अगर वन टू मैनी होगा तो वो रिलेशन हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में फंक्शन इस तरह कुछ डिफाइन किया जाता है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये हो गया फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स कई सारे भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री भी हो सकता है, एक्स फोर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, बट सिंपलेस्ट फंक्शन इज वाई इक्वल टू एक्स वन एक्स। और यही ये कई सारे इनपुट होते हैं बट आउटपुट जो होता है वो एक ही होता है मैथमेटिक्स में जिस तरह डिफाइन करते हैं। बट पाइथन में का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे अलग इन द सेंस ये है, इसमें इनपुट कितने भी हो सकते हैं और आउटपुट भी बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ वाई वन वाई टू भी हो सकता है पाइथन। और दूसरी बात यह है कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। पाइथन में ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ आउटपुट ही ना हो और यहाँ पे कुछ इनपुट ही ना हो। तो हम डिफाइन करते हैं पाइथन इसी तरह के फंक्शन को ही लेके चलते हैं जिसका ना तो कोई इनपुट है ना कोई आउटपुट है, वो जस्ट नाम का फंक्शन है और वो कुछ नहीं कर रहा, वो फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा। तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसका नाम ही रख देते हैं कुछ नहीं, नथिंग। ओके, डेफ नथिंग और बस पास। ये फंक्शन लिटरली कुछ नहीं कर रहा, ये यहां पे इसको हमने रन कर दिया। तो ये है सिंटैक्स पाइथन के फंक्शन का। डेफ से स्टार्ट होता है, डेफ मींस डेफिनेशन, डिफाइन, वी आर डिफाइनिंग ए फंक्शन। यहां फंक्शन नेम आएगा और ब्रैकेट के अंदर आपके इनपुट आ सकते हैं, और अगर आपको आउटपुट देना है तो उसके लिए रिटर्न लिखना पड़ेगा। अब इसी फंक्शन से आगे बढ़ते हैं। ये तो सबसे हो गया सिंपलेस्ट फंक्शन, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये किसी काम का फंक्शन नहीं है। अब धीरे धीरे इसको हम कुछ काम का फंक्शन बनाते हैं। तो पहले हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट आई डू नथिंग बट स्टिल आई एम प्रिंटिंग दिस लाइन। अब देखो इसने ये लाइन प्रिंट कर दी, तो अब ये फंक्शन नथिंग नहीं रहा। इसे नथिंग से हमें नाम चेंज करके इसे करना होगा प्रिंटिंग, ठीक है? प्रिंट यूज मत करना, प्रिंट ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है। तो जैसे कि हमने पहले बताया बिल्ट इन फंक्शन का भी सिंटैक्स ये होता है, जैसे कि आप डी आई आर करते हो वन, तो फंक्शन के अंदर ब्रैकेट आता है, ये फंक्शन का नेम हो गया डी आई आर वन और ये हो गया इनपुट, तो ये डी आई आर वन इस तरह आ जाता था, ठीक है? तो फंक्शन इनपुट। अब हमें एक और फंक्शन देते हैं जिसे लेट्स से स्क्वायर देते हैं। अब ये प्रॉपर फंक्शन जैसे मैथमेटिक्स का हुआ, इसका इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। तो स्क्वायर ऑफ एक्स हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक्स ये इनपुट हो गया। यहां पे इसे करना क्या है वो हम बता देते हैं, वाई वाई जो आउटपुट हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया और यहां पे रिटर्न। आउटपुट जो हमें देना है उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है, रिटर्न, रिटर्न हमें वाई कर देगा, ठीक है? तो अब यहां पर इसे रन करने के लिए स्क्वायर एक्स की जगह आप जैसे थ्री देते हैं तो स्क्वायर ऑफ थ्री ये नाइन हो गया। तो इस तरह हम ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन में ये हमारा इनपुट हुआ और ये आउटपुट हुआ। अब मैंने कहा था कि इनपुट हमारे कितने भी हो सकते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ये मैंने इनपुट हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है, y इक्वल टू सपोज हम एक और इनपुट ले लेते हैं x जीरो।
अगर लीनियर रिग्रेशन पढ़ा हो तो इसकी कुछ इस तरह इक्वेशन होती है, एक्स जीरो प्लस डब्लू वन एक्स वन ओके प्लस डब्लू टू एक्स टू प्लस डब्लू थ्री एक्स थ्री प्लस डब्लू फोर एक्स फोर। ये कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन बना देते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए बीच बीच में यहाँ पे स्टार आएगा। मैथमेटिक्स की तरह बिना स्टार लगाए नहीं ले, इसके लिए हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। और W1, W2, W3, W4 ये क्या है, ये वेट्स हैं, आर्बिट्रेरी वेट्स हैं, इनको लेट्स से डिफाइन कर लेते हैं। W1 को हम 1 ले लेते हैं, W2 को 2 ले लेते हैं, W3 को आप 3 ले लो, W4 को 4 ले लो ओके। ये रिटर्न ये हो गया, Y आउटपुट हो गया, और एक हमें और चाहिए, इसको y1 ले लो। जैसे हमें मल्टीपल आउटपुट चाहिए, एक तो ये सिंपल हो गया, लीनियर फैशन हो गया। अगर इसको आप कोई पॉलिनोमियल टाइप का कुछ आउटपुट देना चाहते हैं तो y इक्वल टू डब्लू वन एक्स वन स्क्वेयर, या इसको x1 ही रहने दो, इसको w2 x2 का स्क्वेयर ले लो, इसे x3 क्यूब ले लो, इसे x4, मतलब एनीथिंग यू कैन डिफाइन। एंड हेयर आउटपुट में y1 yp। तो ये वाला जो एग्जांपल दिया है ये काफी मोस्ट जनरलाइज हो गया है। इस जनरलाइज फंक्शन में क्या है कि आपके मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट्स। तो जब आप अब इसका लिख देते हैं इस फंक्शन को समथिंग, बिकॉज इट्स डूइंग समथिंग ओके, ये कुछ ना कुछ कर रहा है, और ये जो कर रहा है वो बस कुछ ऐसी रैंडम सी इक्वेशन लिख दी है हमने। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पांच इनपुट लेने होंगे, पांच इनपुट दे दो, 22 21 11 है, थोड़े कम नंबर दे दो, नहीं तो ये पावर में बहुत बढ़ गई है, एक्स थ्री एक्स फोर हमने जानबूझ के इसलिए कम दिया। तो अब ये आया समथिंग इज नॉट डिफाइंड, पहले इसको रन करो, ये रन हो गया। अब देखिए समथिंग ने ये दो नंबर दे दिए, ये लीनियर वाले की ये हो गया और ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसको आपको दो अलग अलग वेरिएबल में लेना है, तो यहां सिंपल y1 कॉमा y2 लिख सकते हो। तो यहां पे y1 हो जाएगा 83 हो जाएगा और y2 हो जाएगा 63। अब इसमें कुछ कई बार क्या होता है कि डिफॉल्ट वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि यहां पर आपको इन सब को एक से मल्टीप्लाई करना है, इस चीज को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करना है, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कि वो है 3 × 10⁸। 10⁸ में सपोज करो ये 3 ही इसको ले लेते हैं, तो c इक्वल टू 3 है। तो ये अपने आप जब हम करेंगे तो y1 हो गया 83 और y2 हो गया 633। अगर इस लाइन में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो यहां पर आपको ये c इक्वल टू एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा, जैसे कि c इक्वल टू 5 लेना है तो इस तरह लिखना होगा। देखिए ये क्या एरर आई है, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट 5, ये इसलिए एरर आ गई, ये पहले रन नहीं किया था, दोबारा रन करते हैं, देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है कि इन्हें कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स और इनको कहते हैं आर्गुमेंट्स। ये जो इनपुट को हम नॉर्मल आर्गुमेंट्स कहते हैं फंक्शन के, और ये जो हम पहले से डिफाइन कर सकते हैं इसको कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। दोनों में फर्क क्या है कि जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स है वो नॉर्मल आर्गुमेंट्स के पहले नहीं आ सकता, मतलब फंक्शन डेफिनेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको यहां लिखते हैं और इसके बाद नॉर्मल आए, तो ये एरर आ जाएगा। देखिए नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोस डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तो पहले ये नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आएंगे और उसके बाद ये डिफॉल्ट वैल्यूज आएंगी। अब ये हुआ, अब सपोज करो कि
हमें ये x1, x2, x3, x4 हम अभी तक खुद डिफाइन कर रहे थे, हमें ये सपोज करो यूजर से लेने हैं, ओके? तो अगर कोई भी चीज पाइथन में अगर यूजर से लेनी होती है तो उसका जो फंक्शन है वो है इनपुट, ओके? इनपुट, और यहां पर आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो दैट एंटर सम नंबर, तो ये आप x1 लिख दिया इस तरह, ओके? फिर ये x2 और x3, सपोज ये तीन नंबर हम देते हैं, और इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि पांच नंबर में फिर देर लग रही है, जबरदस्ती का वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? तो ये सब कम करते हैं, इसको सिंपल ही रखते हैं, और ये नई डेफिनेशन से इसे डिफाइन कर लेते हैं, x0, x1, x2। ये जरूरी नहीं कि आपको ये वेरिएबल सेम ही रखने हैं, ठीक है? अगर आपने ये x0, x1, x2 दिखा लिया, ये जो वेरिएबल है इनका स्कोप इस फंक्शन के लोकली है, यहां पे इससे कोई मतलब नहीं, ये चाहे तो आप a, b और c भी लिख सकते हैं। ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है, और जो फंक्शन के अंदर ये है ये फंक्शन के अंदर ही इनका स्कोप है, तो ये लोकल वेरिएबल है। तो अब ये एंटर सम नंबर आया, इसमें a को लिख देते हैं 3, b को लिख देते हैं 5 और c को लिख देते हैं 4। ये 3, 5, 4 आ गए। अब हमें यहीं पर ये एक फंक्शन डिफाइन कर देना चाहिए था, समथिंग ए बी सी। अभी देखना ये, अब मैं फंक्शन डायरेक्ट लिखूंगा तो एरर आ जाएगी, तो देखना क्या एरर आती है। 3, 4, 5 ये एरर आई है, अनसपोर्ट टाइप फॉर पावर str एंड int। ये ऐसी एरर क्यों आई है? क्योंकि ये जो हम इनपुट लेके जो बाय डिफॉल्ट जो एंट्री होती है वो स्ट्रिंग में होती है, और जबकि हमने ये जो फंक्शन डिफाइन किया है इसमें ये हमने अज्यूम किया है कि ये सब है इंटीजर, तभी हम ये ऑपरेशन कर पाए हैं, अन्यथा ये ऑपरेशन नहीं कर पाते। तो इसको हमें पहले इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, और जैसे ये तब कन्वर्ट होंगे तो ये फंक्शन हमारा रन हो जाएगा। तो इसमें 3, 4, 5 देखिए अब ये हमारा रन हो गया। तो तीन इनपुट वाला जो सिंपलेस्ट फंक्शन है उसे जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़े हैं और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा, इंटरेस्ट जो निकालने का होता है, प्रिंसिपल इनटू सिंपल इंटरेस्ट, जो है कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। ओके, सो यहां पे SI इक्वल टू पी स्टार आर स्टार टी डिवाइड बाय 100, रिटर्न SI। सो यहां पर अगर आप इसी को ही ABC को ही रहने दें, आप यहां प्रिंसिपल डालिए, मान लीजिए 20,000 आपने किसी को उधार दिए 2% के रेट पर 4 साल के लिए, उसका प्रिंसिपल बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर आप समथिंग रन कर रहे हैं, आपको करना होगा सिंपल इंटरेस्ट रन करना होगा, ठीक है? दोबारा से 20,000 आपने दिए 2% के रेट पे 5 साल के लिए दिए, सपोज क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट इज नॉट डिफाइन, अभी डिफाइन किया तो था, कितनी बार डिफाइन करवाओगे? ये हो गया 20,000, ये रेट हो गया 2% और ये 5 साल। ओ देखिए ये मिस्टेक होती है कई बार प्रोग्रामिंग में, यहां पर जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, यहां पर स्पेलिंग में RST था, यहां REST कर दिया, या तो इसका ई हटा दो या यहां पे ई जोड़ दो, ये जोड़ देते हैं,
ई जोड़ दिया। अब तो आना चाहिए 20,000, 2%, 5 साल, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका। तो इस तरह हम यहाँ पर इनपुट देके पाइथन में फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या चीज है फंक्शन में? फंक्शन में बस यही है मेन तो कॉन्सेप्ट, और बिल्ट इन फंक्शंस बता दिए। और ये जो बात है, एक चीज और, जैसे SI जो हमने डिफाइन किया वो फंक्शन के अंदर ही है। अगर आप बाहर लिखोगे इसे तो बाहर देखिए ये नेम एरर आ जाएगा, SI डिफाइन नहीं है। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये जो लोकल फंक्शन है इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था, इस तरह हम पाइथन में कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।